गैस टी शर्ट टीना के बारे में तो हम सभी जानते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मन में सवाल आता है कि जिस टी शर्ट टीना का हम इस्तेमाल अपने घरों पे करते हैं टीवी चलाने के लिए, उस टी शर्ट टीना को एक्चुअली में किस तरीके से बनाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में आप बने रहिए और मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ, आपको एक्चुअली में दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से टी शर्ट टीना की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी फैक्ट्री में लेके जाने वाला हूँ जहाँ पे इस टी शर्ट टीना को मैनुअली बनाया जाता है। मैनुअली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं। कहने का मतलब है कि जहाँ पे रोबोट्स लगे होते हैं और आप वहाँ पे सिर्फ रॉ मटेरियल डालिए और जो आपका फाइनल मटेरियल है यानी कि जो टी शर्ट टीना है वो बन के बाहर निकल आता है। तो गाइस अभी चलते हैं हम फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में जाने से पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड सुन लीजिए कि टी शर्ट टीना किस तरीके से बनता है, उसकी जो मेन चार प्रोसेस होती है मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। अगर आपके घर में भी टी शर्ट टीना लगा हुआ है और अगर आप उस टी शर्ट टीना को जाके देखोगे तो उसमें आपको मेनली एक बड़ा सा रिफ्लेक्टर दिखाई देगा, एक प्लेट की तरह सामने की तरफ दिखाई देगा जिसका इस्तेमाल करके हम सिग्नल को बेसिकली रिसीव करते हैं, इकट्ठे करते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और उसके पीछे जितने भी पाइप्स वगैरह लगे होते हैं जिसमें LNB लगी होती है, वो आम पाइप, उस सारी चीज़ एसेसरीज में काउंट होती है। तो बेसिकली अभी मैं जो आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ उस वीडियो में आपको दो पार्ट दिखाऊंगा। जो पहला पार्ट है उसमें ये दिखाऊंगा कि किस तरीके से रिफ्लेक्टर का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, और जो दूसरा पार्ट है उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से एसेसरीज को बनाया जाता है। और जब ये दोनों पार्ट बन जाते हैं तो इन पार्ट्स को लेके जाया जाता है पाउडर कोटिंग में, जहाँ पे इन दोनों ही पार्ट्स को पहले पूरी तरीके से क्लीन किया जाता है और क्लीन करने के बाद इसको फिर पाउडर कोटिंग में डाला जाता है जहाँ पे इसके ऊपर पाउडर कोटिंग की जाती है। पाउडर कोटिंग करने का मतलब होता है कि एक तरीके से पेंट करना। पेंट और पाउडर कोटिंग में सिर्फ इतना सा फ़र्क होता है कि अगर आप पेंट को एक बाहर के एटमॉस्फेयर में रखोगे तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, और अगर आप पाउडर कोटिंग वाले मटेरियल को आप बाहर एनवायरनमेंट में रखोगे तो वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। अब दोस्तों जो सबसे लास्ट वाली प्रोसेस है वो है जब एक बार आपका टी शर्ट टीना बन के तैयार हो जाता है, उसमें पाउडर कोटिंग हो जाती है तो उसकी ब्रांडिंग की जाती है। अगर आप एयरटेल के लिए टी शर्ट टीना बना रहे हैं तो आप उसमें एयरटेल की ब्रांडिंग करोगे, अगर आप टाटा स्काई के लिए टी शर्ट टीना मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आप उसमें टाटा स्काई की ब्रांडिंग करोगे। इसी तरीके से आप अलग अलग उसकी ब्रांडिंग करते हो, और अगर आप किसी और भी कंपनी के लिए कर रहे हो, कोई अगर आप लोकल कंपनी के लिए कर रहे हो तो आप उसमें लोकल कंपनी का ब्रांडिंग करके आप उसे मार्केट में रिलीज करोगे। सो गाइस ये भी चार इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती हैं जिसका इस्तेमाल करके टी शर्ट टीना को बनाया जाता है। तो अब चलिए हम फैक्ट्री में चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से एक्चुअली में टी शर्ट टीना की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। सो दोस्तों डिश एंटीना बनाने के लिए सबसे पहले मेटल प्लेट को इस तरीके से स्क्वायर शेप में कट कर लिया जाता है। स्क्वायर शेप में काटने के बाद मेटल शीट को इस मशीन में डाला जाता है, जहां पे मशीन मेटल के शीट को कोने से दबा देती है, और जैसे ही आप मशीन को प्रेस करते हो तो जो हमारा मेटल का शीट है वो एक रिफ्लेक्टर शेप में कन्वर्ट हो जाता है। अब दोस्तों रिफ्लेक्टर शेप तो मिल जाता है, लेकिन अभी भी बहुत लंबी प्रोसेस बची हुई है जिसमें हम इस रिफ्लेक्टर के कॉर्नर को कट करते हैं, और कॉर्नर को कट करने के लिए इस मशीन में डाला जाता है। अब दोस्तों जैसा आप इस मशीन में देख रहे हैं, इसमें जो हमारा रिफ्लेक्टर है उसका कॉर्नर तो कट के निकल जाता है, लेकिन अगर आप इस डिश एंटीना की तरफ ध्यान दोगे तो अभी भी ये बहुत ख़तरनाक है। अगर आप इसमें अपने हाथ लगाओगे कोने में तो हाथ कट सकता है, क्योंकि इसके जो एजेस हैं वो बहुत बारीक हैं, और उस एजेस को कम करने के लिए हम इस मशीन में डालते हैं इसको, जहाँ पे ये मशीन इसको बहुत तेज़ी से घुमाती है, और साइड में एक ब्रैकेट लगा हुआ है जिसकी मदद से इसका जो एज है, जो कोना है, उसको बहुत परफेक्टली माउल्ड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इसमें अगर आप हाथ लगाओगे तो आपका हाथ कटने की जो संभावना है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। अब ये जो काम है सारे मैनुअली किए जा रहे हैं। आप उधर एक और मशीन देख सकते हैं, और आप इस तरफ एक और मशीन देख सकते हैं, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम वही काम किया जा रहा है। एक बार डिश एंटीना के कॉर्नर को हम पूरी तरीके से माउल्ड कर देते हैं, इसके बाद डिश एंटीना को भेजा जाता है ड्रिलिंग के लिए, जहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे नट बोल्ट कसने के लिए डिश एंटीना में ड्रिलिंग की जा रही है। सो दोस्तों ये तीन इंपॉर्टेंट प्रोसेस थे जिसका इस्तेमाल करके डिश एंटीना के रिफ्लेक्टर पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, और यहाँ पे बेसिकली रिफ्लेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो जाती है। और रिफ्लेक्टर के बाद अभी आपको मैं लेके चलता हूँ एसेसरीज की मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से की जाती है। तो दोस्तों एसेसरीज की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सबसे पहले अगेन मेटल शीट की कटिंग की जाती है,
तो दोस्तों यहाँ पे डिश एंटीना की एसेसरीज बनाने की तैयारी की जा रही है, और आप प्लेट देख सकते हैं, इसको अलग अलग मशीन में डाला जाता है और इसमें होल्स किए जाते हैं, और बहुत ही बारीकी से मशीन इन प्लेट्स में होल करती है। कुछ इस तरीके से इसको मशीन में डालते हैं, और जब मशीन को आप प्रेस करते हो तो इन प्लेट्स में एकदम बारीकी से होल कंप्लीट हो जाता है। और एक बार इन प्लेट्स में होल हो जाता है तो फिर इसको फाइनली एक लास्ट मशीन में डाला जाता है, जहाँ पे इसको फाइनल शेप दे दिया जाता है। अगर आपने डिश एंटीना देखा होगा तो ये वही पार्ट है जो आपके रिफ्लेक्टर को होल्ड करके रखता है और रिफ्लेक्टर के जस्ट पीछे की तरफ लगा होता है। और इसके बाद जो अगली प्रोसेस आती है वो है पाउडर कोटिंग की। अब दोस्तों पाउडर कोटिंग किया जाए, इसके पहले सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जितने भी हमारे मटेरियल है उनको सबसे पहले क्लीन कर लिया जाए। तो जैसा आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं, मटेरियल को हम क्लीनिंग के लिए यहाँ पे लेके जाते हैं, और इन मटेरियल्स में अलग अलग सॉल्यूशन का छिड़काव किया जाता है ताकि जितने भी मेटल्स में गंदगी है वो पूरी तरीके से निकल जाए। अगर इसमें कोई ऑयल लगा हुआ है तो वो पूरी तरीके से निकल जाए। और जब एक बार इन मेटल्स की क्लीनिंग हो जाती है तो फाइनली इन मेटल्स को पाउडर कोटिंग के लिए भेजा जाता है। एक ऐसी मशीन में डाला जाता है जहाँ पे इसके ऊपर पाउडर की कोटिंग की जाती है। अगर मशीन अच्छी तरीके से पाउडर कोटिंग नहीं कर पाता है तो मैनुअली किया जाता है, हाथों से किया जा सकता है। जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये भाई साहब हाथ से पाउडर कोटिंग कर रहे हैं। दोस्तों पाउडर कोटिंग होने के बाद इसको फिर सूखने के लिए भेज दिया जाता है मशीन के अंदर, जहाँ पे इसको अलग अलग टेम्परेचर में डाला जाता है। अब क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है तो जो हमारी पाउडर कोटिंग है वो पूरी तरीके से सूख जाती है, और जब पाउडर कोटिंग सूख जाती है तो मटेरियल को बाहर निकाल लिया जाता है। और मटेरियल को निकालने के बाद जो अगली प्रोसेस है वो है ब्रांडिंग की। अब दोस्तों ब्रांडिंग के लिए यहाँ पे डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको पहला भी बताया था कि अगर आप डिश एंटीना जिस भी ब्रांड के लिए मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप उस ब्रांड का इसमें लोगो लगाते हैं। अलग अलग ब्रांड की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, अलग अलग सिग्नल लेवल्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो डिश एंटीना की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और उसके अकॉर्डिंग उनकी ब्रांडिंग की जाती है। अब दोस्तों ब्रांडिंग के बाद जो अगला स्टेप आता है वो ये है कि एसेसरीज हमने बना ली, हमने रिफ्लेक्टर बना लिया, हमने ब्रांडिंग कर दी, लेकिन एसेसरीज के साथ में बहुत सारे और भी पार्ट्स आते हैं। तो उन पार्ट्स को किस तरीके से पैक किया जाता है, किस तरीके से इकट्ठे किया जाता है, तो आप अभी इस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं जो डिश एंटीना की एसेसरीज़ हैं उनको पैक करने का काम कर रहे हैं, उनको एक पैकेट में डाल रहे हैं। छोटे छोटे जो नट बोल्ट्स यूज़ होते हैं डिश एंटीना में, उनकी पैकिंग की जा रही है, और बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही माइन्यूट तरीके से सारी एसेसरीज पार्ट को एक पैक करने के बाद एक बड़े बॉक्स में डाला जाता है। और इस बॉक्स में डालने के बाद फाइनली इसको भेज दिया जाता है जो भी आपका कस्टमर है उसके पास में। अब दोस्तों कस्टमर के पास पहुंचने के बाद बॉक्स की अलग अलग काउंटिंग होती है, वो मटेरियल निकाला जाता है, फिर से अलग तरीके से पैक किया जाता है, और फाइनली जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जितने भी शॉप वाले होते हैं, उनके थ्रू ये जो डिश एंटीना है वो पहुंच जाता है हमारे तक। सो दोस्तों ये पूरी की पूरी प्रोसेस थी डिश एंटीना की, किस तरीके से डिश एंटीना की मैन्युफैक्चरिंग होती है, किस तरीके से डिश एंटीना की पैकिंग की जाती है, और किस तरीके से डिश एंटीना फाइनली हमारे घरों तक पहुंचता है। सो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डिश एंटीना की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। सो गाइज अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा पार्ट भी अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या फिर कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ आपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।